दोस्तों आपको इंजन के आविष्कार के बारे में तो मालूम ही होगा। मालूम हो भी क्यों ना, क्योंकि इंजन दुनिया के कुछ प्रमुख आविष्कारों में से एक है। इंजन के आविष्कार के बाद ही हम खुद को आधुनिक दुनिया में तब्दील करने में कामयाब हो पाए थे। आपको बता दें कि 18वीं सदी से पहले जब इंजन का आविष्कार नहीं हुआ था, तब बड़ी बड़ी कंपनियों में काम इंसानों द्वारा जानवरों की मदद से किया जाता था। लेकिन फिर भी इसमें बहुत समय लगता था और काम भी कुछ खास नहीं होता था। लेकिन इंजन के आविष्कार के बाद मानो हमारी पूरी दुनिया बदल गई। अब हर बड़े काम को इंजन की सहायता से आसानी से किया जाने लगा, चाहे वो इंजन भाप के ही क्यों ना हो, पर थे बड़े काम के। आपको बता दें उस समय इंसानों के दिमाग में आइडियाज तो बहुत थे, लेकिन उनको वास्तविकता में बदलने के लिए कोई साधन मौजूद नहीं था। लेकिन इंजन के आविष्कार के बाद मनुष्य नई नई चीजें विकसित करने में खुद को सक्षम महसूस करने लगा, और फिर इसी तकनीक के साथ यूरोप में इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की शुरुआत हुई। आज इंजन कितने ज्यादा विकसित हो चुके हैं ये तो हमें बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन शुरुआत में आज की तरह डीजल और पेट्रोल के इंजन नहीं होते थे। शुरुआती इंजन कोयले से चलते थे और भाप के होते थे। हम आपको बता दें कि आधिकारिक तौर पर भाप इंजन के आविष्कारक जेम्स वॉट को माना जाता है। हालांकि इनसे पहले भी बहुत सारे लोगों ने भाप इंजन बनाने की कोशिश की थी, या दूसरे लफ्जों में कहें तो भाप की ताकत को समझ कर उसका इस्तेमाल करने का प्रयास किया। कुछ कामयाब रहे तो कुछ नाकामयाब, जिसमें हीरोन ऑफ अलेक्जेंड्रिया और लियोनार्डो दा विंची का नाम शामिल है। अगर आप भाप इंजन पर डिटेल नॉलेज जानना चाहते हैं तो वीडियो का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप जाकर उस पर देख सकते हैं। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद राइट, तो दोस्तों अगर वास्तविकता में किसी ने भाप इंजन को एक वर्किंग रूप दिया था तो वो थे थॉमस न्यूकमन, जिन्होंने दुनिया का पहला भाप इंजन बनाया था तथा उसका प्रयोग भी किया। जेम्स वॉट ने जिस भाप इंजन का आविष्कार किया वो वास्तव में थॉमस न्यूकमन का बनाया हुआ इंजन था। लेकिन थॉमस न्यूकमन के इस इंजन में कई कमियां थी, जिस वजह से इससे बहुत ज्यादा ईंधन बर्बाद होता था। इन्हीं सब चीजों में बदलाव करके जेम्स वॉट ने भाप इंजन का पेटेंट अपने नाम ले लिया। चलिए आज के इस वीडियो में हम थॉमस न्यूकमन के जीवन तथा उनके द्वारा बनाए गए दुनिया के पहले भाप इंजन का इतिहास जानेंगे। दोस्तों इसी बात पर वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। आपके लाइक हमारे अच्छे वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन का काम करते हैं। दोस्तों थॉमस न्यूकमन का जन्म 28 फरवरी 1664 इंग्लैंड के डार्टमाउथ के एक लोहार के घर में हुआ। स्वभाव से खुद को लोहार कहने वाले थॉमस न्यूकमन ने पहले आधुनिक भाप के इंजन के लिए प्रोटोटाइप तैयार किया। 1712 में बनी उनकी भाप इंजन मशीन को वायुमंडलीय भाप इंजन के रूप में जाना जाता था। हालांकि थॉमस न्यूकमन के समय से पहले भी भाप इंजन तकनीक अपनी प्रारंभिक अवस्था में शुरू हो चुकी थी। एडवर्ड सोमरसेट न्यूकमन के पड़ोसी थॉमस सेवरी और फ्रांसीसी दार्शनिक जॉन डेसागुलुएस जैसे आविष्कारक थॉमस न्यूकमन के अपने प्रयोग शुरू करने से पहले ही भाप इंजन के टेक्नोलॉजी पर शोध कर रहे थे। उनके शोध ने न्यूकमन और जेम्स वॉट जैसे आविष्कारकों और व्यवहारिक उपयोगी कोयले से चलने वाले भाप इंजन का आविष्कार करने के लिए प्रेरित किया। थॉमस ने अपनी जवानी के दिनों में व्यापार करना शुरू कर दिया था। वे ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। उन्होंने लगभग 1685 में डार्टमाउथ में एक लोहार के रूप में व्यापार करना शुरू किया। दस्तावेजी सबूतों के अनुसार उन्हें 1694 के आसपास विभिन्न मिलों से 10 टन तक की मात्रा में लोहे की खरीद करते हुए दर्शाया गया है। न्यूकमन के पास उस समय एक खुदरा स्टोर था जहाँ लोहे के उपकरण, खेती के उपकरण और जंजीरें बेची जाती थी। थॉमस न्यूकमन जिस समय अपने व्यापार चला रहे थे उस समय यूरोप में एक समस्या आम थी, वहाँ बारिश बहुत होती थी और इससे अक्सर कारखानों और खदानों पानी भर जाता था, जिससे काम को अक्सर रोकना पड़ता था। उस समय खदानों से लोहा, कोयला और खनिज निकालने के लिए बहुत गहराई तक खुदाई करनी पड़ती थी, लेकिन अचानक आई बारिश से उनमें पानी भर जाता था और इस वजह से जान माल का काफी नुकसान होता था। इस समस्या से निपटने के लिए ही थॉमस न्यूकमन ने भाप इंजन बनाने की सोची थी, क्योंकि उन्होंने भाप की ताकत के बारे में थॉमस सेवरी से सुन रखा था। स्थानीय लोगों द्वारा न्यूकमन को एक संकीय लेकिन एक योजनाकार माना जाता था, इसलिए कईयों को उम्मीद थी कि वो शायद इसमें सफल हो जाए। जिसके बाद न्यूकमन ने इंग्लैंड के मोडबरी में सेवरी के घर का दौरा किया, जहां से न्यूकमन 15 मील दूर रहता था। सेवरी भी भाप इंजन बनाना चाहता था, इसलिए उसने अपने इंजन का एक कार्यशील मॉडल बनाने के लिए न्यूकमन को लोहार के तौर पर रख लिया। बदले में न्यूकमन को अपने लिए सेवरी भाप मशीन की एक कॉपी बनाने की अनुमति दे दी गई थी, जिसके बाद उन्होंने अपने घर के पिछवाड़े में इस इंजन की कॉपी बनाना शुरू किया। फिर बाद में उन्होंने सेवरी डिजाइन को बेहतर बनाने पर काम शुरू कर दिया। थॉमस न्यूकमन ने जब भाप इंजन पर काम शुरू किया तो जॉन कैली नामक एक व्यक्ति को अपने साथ ले आए, जो कि उनके भाप अनुसंधान में काफी मददगार साबित हुआ था, और अंत में दोनों ही वायुमंडलीय भाप इंजन के पेटेंट के हकदार हुए। जॉन कैली एक ग्लेजियर था। कुछ सूत्रों का कहना है कि वो एक प्लम्बर था जिसने न्यूकमन की कार्यशालाओं में अद्भुत सेवा दी थी और बाद में उनके साथ काम करना जारी रखा। आपको बता दें न्यूकमन और ना ही कैली किसी तरह के इंजीनियरिंग में शिक्षित थे, वो बस कुशल व्यापारी और कुछ नया करने के जिज्ञासु थे।
हालांकि काम करते समय उन्होंने उस समय के कई माहिर लोगों से मदद ली थी। उन्होंने वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक के साथ काफी विचार विमर्श किया, जिसमें उन्होंने पिस्टन वाले स्टीम सिलेंडर के साथ स्टीम इंजन बनाने की उनकी योजना के बारे में सलाह देने के लिए कहा। हुक ने उनकी योजना के खिलाफ सलाह दी, लेकिन सौभाग्य से हठी और अशिक्षित थॉमस न्यूकमन अपनी योजनाओं पर अड़े रहे और लगभग 1698 में न्यूकमन और कैली ने एक वर्किंग 7 इंच व्यास का पीतल का सिलेंडर बनाया, जिसके पिस्टन के किनारे के चारों ओर एक चमड़े के फ्लैप के साथ उसे सील किया गया था। आपको बता दें 17वीं सदी के अंत में उन्होंने स्टीम इंजन पर काम करना शुरू किया और लगभग 1712 के अंत तक उन्होंने इसको बनाने का प्रयोग शुरू कर दिया। आप जो स्क्रीन पर अभी देख रहे हैं वो है न्यूकमन के बनाए गए इंजन का एनिमेटेड पार्ट। आप देख सकते हैं ये नीचे भट्टी है जो बॉयलर में रखे पानी को गर्म करके ढेरों मात्रा में भाप पैदा करती है, जो स्टीम इनलेट के वॉल्व के खुलते ही सीधे कंडेंसिंग सिलेंडर में चली जाती है और इस स्टीम प्रेशर के पिस्टन ऊपर की तरफ चला जाता है और फिर अचानक वॉल्व बंद करके ठंडा पानी कंडेंसिंग सिलेंडर में छोड़ दिया जाता है, जो कि भाप को तेजी से ठंडा करके पानी में बदल जाता है और इस प्रक्रिया से सिलेंडर में वैक्यूम क्रिएट होता है, जिससे पिस्टन तेजी से नीचे की तरफ आ जाता है। या यूं समझिए, जब भाप का दबाव कम होता है तब एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ जाता है, जिससे पिस्टन नीचे की तरफ चला जाता है और ये प्रक्रिया बार बार होती रहती है। अब कई लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा कि कंडेंसिंग सिलेंडर में इतनी ज्यादा भाप थी तो फिर पानी डालने से अचानक भाप इतने कम पानी में कैसे बदल गई। तो आपको बता दें कि 1 लीटर पानी का जब भाप बनता है तो 1700 लीटर पानी की जगह के बराबर हो जाता है। न्यूकमन के इस इंजन से खदानों में तो काम लिया जाने लगा, मगर उनके इस इंजन की गति बहुत ही कम थी, साथ ही इसको प्रयोग में लाने के लिए बहुत ज्यादा मात्रा में ईंधन खर्च करना पड़ता था। इसलिए न्यूकमन और कैली द्वारा बनाया गया इंजन पूरी तरह से सफल नहीं हो पा रहा था। 1708 में पेटेंट प्राप्त करने में सक्षम तो हो गए थे, पर ये पेटेंट एक स्टीम सिलेंडर, एक अलग बॉयलर और अलग अलग पंपों के संयोजन वाले इंजन के लिए था। बाद में थॉमस न्यूकमन ने अपने भाप इंजन को और अधिक संशोधित किया ताकि ये खनन कार्यों में उपयोग किए जाने वाले पंपों को और अधिक शक्ति प्रदान कर सके, जो खदान शाफ्ट से पानी निकालते थे। उन्होंने इसमें एक ओवरहेड बीम जोड़ा, जिसमें से एक छोर पर पिस्टन और दूसरे पर पंप रॉड को सस्पेंड किया गया था, जिससे इसको ताकत मिली, पर इसमें अभी भी बहुत कमियां थी। पर जो भी हो, वास्तव में यही दुनिया का पहला वर्किंग भाप इंजन था। बाद में जब इंजन के आविष्कार पर विवाद हुआ तो फ्रांसीसी आविष्कारक और दार्शनिक जॉन थियोफिलस डिसाग्लियस ने लिखा कि न्यूकमन का भाप इंजन सभी खनन जिलों में, विशेष रूप से कॉर्नवॉल में, व्यापक रूप से उपयोग में आया था और अन्य कार्यों जैसे जल निकासी, कस्बों को पानी की आपूर्ति में भी लिया गया था। भाप से चलने वाले पहले लोकोमोटिव का आविष्कार 19वीं सदी के पहले दशक में किया गया था, जो न्यूकमन की तकनीक पर आधारित था। कहीं ना कहीं भाप इंजन के आविष्कारक के रूप में थॉमस न्यूकमन का नाम इसलिए भी नहीं आता है क्योंकि वो पढ़े लिखे नहीं थे और न ही किसी राजनीतिक ताकत का सहारा लिया था।